हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैक विजी टेक इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम सशक्त व्यंगकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार, ओजस्वी गद्यकार, प्रसिद्ध निबंधकार, भारतीय युग के नींवकार, गिरधर दास के पुत्र एवं आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह, जनक भारतन हरिश्चंद्र जी की प्रमुख रचनाओं को याद करने की ट्रिक कविता गीत के माध्यम से सीखेंगे। और इतना ही नहीं, कौन सी रचना कब किस सन में प्रकाशित हुई ये भी देखेंगे, लेकिन आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, भारतन हरिश्चंद्र जी की रचनाओं का गीत बताने से पहले आपको बता दूं कि अभी जो मैंने बात कही कि सशक्त व्यंगकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार, ओजस्वी गद्यकार, प्रसिद्ध निबंधकार, भारतीय युग के नींवकार, भारतीय युग के नींवकार का मतलब है भारतन हरिश्चंद्र भारतीय युग के प्रवर्तक हैं, उन्हीं से भारतीय युग की नींव पड़ी। दोस्तों, इसके अलावा यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय युग के किसी एक प्रसिद्ध नाटककार या निबंधकार या गद्यकार या पत्रकार या व्यंगकार का नाम लिखिए, तो आप आंसर में भारतीय हरिश्चंद्र जी को लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं भारतीय हरिश्चंद्र जी की रचनाओं का गीत। भारत दुर्दशा हिंसा न भवत पाखंड विडम्बन अंधेर नगरी नील देवी विद्या सुंदर रत्नावली भारत जननी मुद्राक्षस धनंजय विजय दुर्लभ बंधु श्री चंद्रवली विशस्य विस्मोषदम भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती। तो दोस्तों, ये है कविता, ये है गीत। आप इस कविता को, इस गीत को अपनी लय में भी कह सकते हो। जैसे भारत दुर्दशा हिंसा न भवति पाखंड विडम्ब अंध नगरी नील देवी विद्या सुंदर रत्नावली भारत जननी मुद्राक्षस धनंजय विजय दुर्लभ बंधु श्री चंद्रवली विशस विस्मोषदम भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती। आप दूसरी भी लय में कह सकते हैं। भारत दुर्दशा हिंसा न भवति पा खंड विडम्ब अंध नगरी पा खंड विडम्ब अंध नगरी नील देवी विद्या सुंदर रत्नावली भारत जननी मुद्राक्षस धनंजय विजय दुर्लभ बंधु श्री चंद्र बलि दुर्लभ बंधु श्री चंद्र बलि विशस विस्मोषधम भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती। तो इस तरीके से आप अलग अलग लय में कह सकते हैं। दोस्तों, इस कविता में जो पहली रचना है वो है भारत दुर्दशा, दूसरी रचना है हिंसा ना भवत, ये अधूरा लिखा है लय बनाने के लिए। हिंसा ना भवति का मतलब है वैदेही हिंसा हिंसा ना भवत, ये पूरी रचना है, पूरी रचना का नाम है वैदेही हिंसा हिंसा ना भवत। तो पहली रचना भारत दुर्दशा, दूसरी है हिंसा ना भवत मतलब वैदेही हिंसा हिंसा ना भवत, तीसरी है पाखंड विडम्बन, चौथी है अंधेर नगरी, फिर है नील देवी, फिर है विद्या सुंदर, फिर है रत्नावली, उसके बाद है भारत जननी, फिर है मुद्राक्षस, उसके बाद है धनंजय विजय, फिर है दुर्लभ बंधु, उसके बाद है श्री चंद्रवली, उसके बाद विशेष विस्मोदम, और लास्ट में है भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती। तो ये रचनाएँ हैं। दोस्तों, कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई, अब ये भी हम जान लेते हैं। तो जो पहली रचना है भारत दुर्दशा, ये 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और हिंसा ना भवत यानी कि वैदेही हिंसा हिंसा ना भवत ये रचना 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और पाखंड विडम्बन अंध नगरी वो पाखंड विडम्बन ये वाली रचना कब प्रकाशित हुई थी ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अंधेर नगरी ये रचना 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और नील देवी ये 1881 में ये भी प्रकाशित हुई थी, और विद्या सुंदर ये 1868 ईस्वी में, और रत्नावली ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कब प्रकाशित हुई। उसके बाद है भारत जननी, ये 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद है मुद्राक्षस ये 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद में है धनंजय विजय ये 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसके बाद में है दुर्लभ बंधु ये रचना 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद है श्री चंद्रवली और ये रचना 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद है विशस्य विस्मोषधम और ये रचना भी 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद में भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती ये भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताना है कि ये रचना कब प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के मैं वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।